This conference will now be recorded. बुधवासरः अथवा सोमवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी दिनांक 22 डिसेंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 5 श्रोतु विमान शंखं चक्रं जलं कान्दगदमृतघटं चारुदोर्विश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो विसमारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिता अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शांति 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 सर्वे भावा पुरुषे नांतर तो सभी जो भाव है शरीर में वो स्रोतस के बिना निर्माण भी नहीं होते व उनका क्षय भी नहीं होता। तो इन सभी में स्रोतस का एक अहम रूप इस प्रकार का है। श्रोताओं से खलु परिणाम आपत्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थे। तो परिणाम आपत्यमान इस प्रकार के जो धातु है जिनमें परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है उस प्रकार के धातुओं का वहन करने के लिए अयन एक मार्ग के स्वरूप में ये स्रोतस होते हैं। तो इसमें दो अहम चीजें है। एक तो जब परिवर्तन होता रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह भाव पदार्थ जाते रहते हैं और इनके जाने के लिए कोई मार्ग अयन इस प्रकार का चाहिए और वो मार्ग स्रोतस इस प्रकार का। तो समझ लेंगे कि ये कोई भाव पदार्थ है कि जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। परिवर्तन की प्रक्रिया मुख्यतः अग्नि से होती है तथा काल से भी होती है। तो जो भी अग्नि हो, अग्नि हो, धातु अग्नि हो, भूत अग्नि हो, ये अपने अपने भावों पर काम करते रहते हैं और उनका परिवर्तन करते रहते हैं। इसके दौरान इन्हें पर अभिवहन भी होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये भाव पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके वहन के लिए एक मार्ग चाहिए, अयन चाहिए जो स्रोतस के रूप में उपलब्ध है इस प्रकार का। अभी शरीर में इतने सारे भाव निर्माण होते रहते हैं तो उन सभी के लिए ये स्रोतस का होना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा।
मूलात्खादनन्तरं देहे प्रसृतं भविवाहियत् सुतस्तद्धि विज्ञेयं सिराधमनिवर्तनम् ये सुश्रुता शरीर की व्याख्या कि मूल ख से आकाश से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में जो पैदा हुआ है अंत अत्यंत इस प्रकार से और सिराधमनि छोड़कर जो अभिवहन करने वाला इस प्रकार का है तो प्रसृत है अभिवाही है और सिराधमनि से अलग है ये उनका स्पष्ट रूप से कहना है। यहाँ चरक में आगे चलकर पर्याय शब्द में इनका शब्द इन शब्दों का भी प्रयोग दिया है तो चरक की स्रोत की कल्पना ज्यादा व्यापक इस प्रकार की है और सुश्रुत की जो संकल्पना है वो सिराधमनि इन दोनों को छोड़कर बाकी इस प्रकार के जो अभिवहन करने वाले हैं उनको स्रोतस इस प्रकार से कहा है। अब बात ये होती रहती है कि शरीर में अवयवों का निर्माण भी होता रहता है, धातुओं का निर्माण होता रहता है और धातु बनते बनते उनके साथ उनके मल भी बनते हैं। तो ये सभी जो प्रक्रिया चलती आती रहती है इस प्रकार से वो कहाँ कहाँ पे कैसे काम करती है। पुरी श्वे का अवरोध हो गया तो शकृत पिंडी को उत्पृष्ट प्रतिष्ठाए शिरो रुझा ऊर्ध्व वायु परी कर दो हृदय से होकर होता नुखे पूर्वोक्ताश्चमयास्मता इस प्रकार का सूत्र है। तो पुरुष का वैसे कार्य क्षेत्र उपवास है इस प्रकार का है। कुंडुकस्थम मलम मलधरा कला विभजते, कुंडुकस्थ जो मल है उसको मलधरा कला विभजित इस प्रकार से करती है और फिर पक्वाशयम तो प्राप्त से शोषमाणस्य वन्निना परिपीडित तत्वस्य वायुस्य कटुभाव ये तृतीय अवस्था पर इस प्रकार का है। और वन्नी के द्वारा जो शोषण द्रव का इस प्रकार का होता है तो इसलिए पुरुष को परिपिंडित पक्व इस प्रकार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अब शकृत पिंडिकोद्वेष्ट ये पिंडिकोद्वेष्ट और शिरशूल ये पुरुष व स्रोतस के अवरोध के कारण निर्माण होने वाले इस प्रकार के लक्षण तो समझ लेना चाहिए कि इस स्रोतस की व्याप्ति सर से लेकर पिंडिका तक कम से कम इस प्रकार से है। अधोवात से हृदय न गुलमोदावर तरुकलमाहा वात दुकर्षक संग दुष्टे ने वदर उद्यनाहा ये अधोवात के रोध से बताई गई है और पूर्वोक्ताश्चमया स्मृताहा इससे अधोवात से रोग अधोवात के रोग से निर्माण होने वाले लक्षण भी इसमें समा जाते हैं ये बताया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक स्रोत की अपनी अपनी व्याप्ति इस प्रकार की होती रहती है और ये काफी इंटरमिक्स इस प्रकार की है कि एक जगह पे अवरोध इस प्रकार का हो गया तो दूसरी जगह भी इस प्रकार से अवरोध होता है। मूत्र के विधारण में कहेंगे तो उसमें भी पुरुष और वायु के रोध के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण भी होते हैं इस प्रकार से बताते हैं। तो हर स्रोतस की एक अपनी अपनी व्याप्ति है जो शायद इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर हम देखने की कोशिश करें ये एक मुद्दा रहेगा। दूसरी बात उसमें ऐसी है कि धातुओं से अवयवों का निर्माण होता रहता है। तो कुशोणित मांसा नाम सारा जिह्वा प्रजायते वगैरह इस प्रकार के जो बातें बताई गई है शुणितेन प्रभव फुफ्फुसः जो जब धातुओं का निर्माण होता है तो उनके जरिए
उनसे उत्पन्न होने वाले अवयवों का भी निर्माण होता रहता है। अब ये तो गर्भावक्रांति में बात हुई, निर्माण जो होना है वो गर्भावक्रांति में बात हुई। आगे चलकर उन धातुओं का पोषण जब होता रहेगा तो जिन धातुओं से वो अवयव बने हैं उनका पोषण उससे होता रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि लंग कैंसर है, विधवा का कैंसर है, तो हमारे हिसाब में एनाटॉमिकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं, और ये कफ, रक्त और मांस इन तीन धातु दोष इनके द्वारा हो रहे हैं क्योंकि इनसे इनका निर्माण होता है। तो अगर ये धातु दुष्ट हो जाएंगे तो इनके जरिए ये जिह्वा की दृष्टि हो सकती है, और फिर वहां ये रोग निर्माण होता है। तो ऐसी हालत में उसको अगर ट्रीट करना है तो हमारा रास्ता तो जठराग्नि के थ्रू ही, किसी भी अवयव तक पहुंचना है हमें, तो जो भी उसका स्रोतस है जिससे ये अवयव बनता है, तो उसका मूल आधार और धातु और उसका स्रोतस यहां से शुरुआत करनी है, या फिर पचन से ही शुरुआत करनी है, जठराग्नि के स्तर पर जो पचन होता है उसी के द्वारा सोचना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी एलोपैथी में तो विभिन्न प्रकार के कैंसर बताए गए हैं, और उसमें काफी कैंसर अवयवन से जुड़े, इस प्रकार से लंग कैंसर है, लिवर कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, ओवेरियन है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, तो ये साक्षात अवयवन से जुड़े इस प्रकार के कैंसर। आधुनिक वैद्यक सेल टाइप द्वारा इनके बारे में सोचना है कि किस प्रकार का सेल इन्वॉल्व हुआ है, उसके आधार पर ये कहाँ पे जाकर फैलेगा और रोग निर्माण करेगा, ये सोचते हैं। हमारे हिसाब में धातु और पंचमहाभूत इनके आधार पर सोचना जरूरी होगा कि कैंसर इसी जगह पे क्यों। एक ऐसी भी बात होती है कि जो कारण है वो कारण अगर स्रोतोवरी में निर्माण करने वाले इस प्रकार के है तो वहीं पे जाकर कैंसर होगा। कि तंबाकू खाने की आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है, तो ओरल कैंसर, लंग कैंसर इस प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि ये कारण उस जगह पे काम कर रहा है और फिर वहां पे कैंसर। अब कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो श्वमितव्येन प्रभवः फुफ्फुसाः, इसका कुछ मतलब उसमें रहेगा क्या? तो जरूर है। तो एक तो स्मोकिंग के जरिए हुआ, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से हुआ, और जिस रूप से कारण जा रहा है उसी रूप से दवाई जाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार। तो शायद हम निर्दोष वगैरह इस प्रकार की सिगरेट का या आयुर्वेदिक बीड़ी का प्रयोग करें कि जो वहां तक पहुंचे लेकिन कार्य अच्छा करें। जनरली ये लोग लंग कैंसर होने के बाद स्मोकिंग या टोबैको च्युइंग बंद कर देते हैं, फिर भी हमारे हिसाब में वो अगर रूट है तो उसका कुछ प्रयोग करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ऐसी रहे कि शोभित तो फेर प्रभाव, ये जो बात बताई गई है, तो फेन कब निर्माण होता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मंथन क्रिया से खास करके फेन की निर्मिति होती है, और साबुन की इंडस्ट्री में फोमिंग एजेंट्स रहते हैं,
कि जिनके जरिए ये फोमिंग की प्रक्रिया होती रहती है, फिन आना इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तब समुद्र में फिन निर्माण होता रहता है और समुद्र फिन ये जो एक मिलता है वो क्या है एक्चुअली एक बताना मुश्किल इस प्रकार का है थोड़ा सा, लेकिन वो शुक्रशोधन गण में पाया गया है। तो समुद्र में जो फिन की प्रक्रिया होती है और उसमें अहम कारण है कि तरंग उसमें उठते रहते हैं, उन तरंगों का कारण है पृथ्वी का अपने ही इर्द गिर्द घूमना और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना और फिर चंद्र पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये जो बातें है कि चंद्र का पृथ्वी के चक्कर लगाना और पृथ्वी का सूर्य के साथ चक्कर लगाना, इनके जरिए ये पानी में क्षोभ हो जाता है जब इतनी बड़ी मात्रा में समुद्र के रूप में पानी है और उससे तरंग उठते हैं, लाटाएं उठती है और फिर ये जो मंथन प्रक्रिया जैसी होती है उसके जरिए फेनोद्गम इस प्रकार का हो जाता है, फेन की निर्मिति होती है। तो शरीर में वैसे देखा जाए तो हृदय द्वारा पंपिंग की क्रिया चाहे वो रस के बारे में हो या प्रकार से चालू रहती है। हम दिन भर कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, केवल सोने का समय छोड़ा तो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं वगैरह इस प्रकार की बोलते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है और फिर भी श्वसन की प्रक्रिया और हृदय की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। तो ये थोड़ा सा पृथ्वी चंद्रमा के घूमने जैसा इस प्रकार का है और फिर इसमें रक्त में फेन की निर्मिति होती है, वो रक्त में बताई गई है, रस में नहीं बताई गई। वास्तविक हमारे हिसाब में मैंने दर्शदा तो ही विक्षेप होते तो कर्माणा युगत सर्वतो रसम देह विक्षेप होते सदा व्यान द्वारा रसवायु का विक्षेपण पूरे शरीर में होता रहता है और रस से रक्त बनेगा, रक्त में इस प्रकार की हलचल अगर चलती रहेगी तो उसमें ये फेनोद्गम इस प्रकार का होगा और वो फेफड़ों के लिए निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का। तो इस बात को सोचकर समुद्र फेन का प्रयोग खास करके लंग कैंसर में करना, ये वैसे मैं शुक्रशोधन गण अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाता हूँ और ज्यादातर कॉमन प्रचलन जो है वो कटफल और समुद्र फेन इनका ज्यादा प्रयोग करता रहता लेकिन पाषाण भेद है या फिर इक्षुरक या कोकिलाक्ष इस प्रकार का है, उशीर है, तो ये सभी शुक्रशोधन गण में समा गए है। तो पित्त प्राधान्य है तो उशीर का प्रयोग करता हूँ, जहां भेदन की प्रक्रिया आवश्यक है तो वहां पाषाण भेद का प्रयोग करता हूँ, रक्त से संबद्ध आगत है तो कोकिलाक्ष एक अच्छा द्रव्य है। शायद कोकिलाक्ष वात रक्त की अहम दवा है तो वात और रक्त इन दोनों के हिसाब से कोकिलाक्ष एक अच्छा है और शमितपेन प्रभाव फुफ्फुसाहा तो इसमें शायद हम इसके बारे में कोकिलाक्ष के बारे में ही सोच सकते हैं। फिर आपत्ति ये है कि कोकिलाक्ष पूरी में भी डाला जाए या किसी दूसरे तरीके से किया जाए तो उसमें पिचिलत्व निर्माण होता है जब उसका पानी के साथ किसी तरह के साथ संयोग होता है तो एक पिचिलत्व निर्माण होता है और वो अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि कोकिलाक्ष का कल्प बनाए और फिर वो इस शरीर में डाले, कल्प करता है यस तो कल्प बना के
उसका प्रयोग करेंगे तो शायद बात होगी इस प्रकार से। तो क्या झूठ मेला है, कुष्ठ पण आहे शुक्र शोधन म्हणा। हाँ, उसका मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, कुष्ठ का तो किया ही नहीं है शायद, ये अल्पलब्ध है तो देखेंगे। लंग रिलेटेड डिसीज मध्य वापरता है। हाँ, तो मैं यही सोच रहा हूं कि लंग फाइब्रोसिस या भी COVID-19 के बाद काफी प्रचलन में आया है, और वैसे भी ILD इस्चेमिक लंग डिसीज, ये इडियोपैथिक लंग डिसीज, ये जो बात बताई गई ये भी काफी प्रचलन में है। तो इनमें भी हम इसके बारे में जरूर सोच सकते, मैं तो इसका प्रयोग कर पा रहा हूं समुद्र फेन का, लेकिन शायद उसके साथ में सुगंधित द्रव्य आए। यस, तो कुष्ठों के बारे में सोचूंगा कि उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अवयवों से संबद्ध जो भी कैंसर है, उन अवयवों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो शायद उसके बारे में कुछ हद तक पता चल सके। अब यकृत और प्लीहा के बारे में, वो रक्त व स्रोत के मूल स्थान है, ये निर्देश है। वृक्क के बारे में, वो मेदोह स्रोत का मूल स्थान है, ये निर्देश है। प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी तरीके से ब्रेन में से बना है तो उसमें भी मेदक पाचक का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते। तो कहने का तात्पर्य था कर सकते हैं, और धोरण शोधन, तो हमारे हिसाब में हमारे जाने का मार्ग तो मुख से डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जाना है, और फिर आगे भूताग्नि धात्वाग्नि के बारे में सोचना है कि वो किस धातुओं के निर्माण से ये सब हो रहा है इस प्रकार से, और फिर उस अवयव के कैंसर आदि रोगों के बारे में हम सोच सकेंगे कि उसमें किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है, और इससे यशस्विता जो है वो बढ़ेगी इस प्रकार से। तो परिणाम आपद्यमानां धातूनां विभवाहि भवन्ति एतार्थेन, जो धातु धातु ये केवल रसर्दि धातु ऐसा नहीं लेंगे, जो भी धारण करने वाले उन सभी को धातु इस प्रकार से कहेंगे, तो उनका ये रहता है कि ये अभिवहन करने में स्रोत काम करता है।
अपिचायके स्रोतसामेव समुदायं पुरुषम इच्छन्ति सर्वगतत्वात् सरस्वरत्वाच्च दोष प्रकोपण प्रशमनानाम। अब ये पूर्व पक्ष है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है, इसको मान तो संतसों का समुदाय ही पुरुष है ऐसा मानते हैं। सर्वगतत्वात् सरस्वरत्वाच्च दोष प्रकोपण प्रशमन, दोष प्रकोपण और दोष प्रशमन ये जो द्रव्य है वो सर्वगत है, पूरे शरीर में जा सकते हैं, सर्वसर है, कभी भी इनका सरण हो सकता है, कुछ कहीं भी हो सकता है। न तो एतदेव यस्य श्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च आवहन्ति तत्र च अवस्थितानि सर्वं तत् अन्धत्ते। तो ये ऐसा नहीं है, उत्तर पक्ष है, तो आत्रेय का मत यह ऐसी स्थिति नहीं है। यह से श्रोता से जिसके श्रोत श्रोतस है यच्च वहन्ति, जिसका वहन ऑल्सो यूज्ड इन उद्वर्तन, कुष्ठ मैं उशीर का प्रयोग करता आ रहा हूं उद्वर्तन में, लेकिन कुष्ठ का मैंने नहीं किया है, ठीक है। जिसका वहन करते है जैसे जिसका वहन नहीं करती है, यत्रच अवस्थिता है और जहां पे मौजूद है सर्वं तत् अन्यत्ते, ये सभी चीजें दूसरों से अलग इस प्रकार की है। तो चरकाचार्य का या आत्रेय महर्षि का स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी स्रोतस अलग अलग इस प्रकार की ही है। जिसका स्रोतस है, जिसका वहन करती है, जिसका नहीं करती, ये सब निर्धारित इस प्रकार का, और कहाँ पे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब एलोपैथी में हर सिस्टम अलग अलग इस प्रकार की है और उसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक इस प्रकार का नहीं है, वो अपना अपना काम करती रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, डाइजेस्टिव हो, नर्वस सिस्टम हो, जो भी सिस्टम्स है वो अपना अपना काम करती रहती है, ऐसा कहना है। लेकिन एक दूसरे का एक दूसरे पर परिणाम होता है ऐसा नहीं माना जाता। अब हमारे हिसाब में स्रोतस एक अलग अलग इस प्रकार से ही है, तो एक दूसरे का एक का दूसरे पर प्रणाम होगा इस प्रकार से नहीं बता सकते। फिर भी पचन की जो प्रक्रिया है, धातुओं का जो निर्माण है, उसके आधार पर तो कह सकते हैं कि नहीं, एक का दूसरे पर भी परिणाम होता है। और यह एक आम मुद्दा इस प्रकार का, मैं अभी काफी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सभी का आपस में मेल जोल इस प्रकार, किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता इस प्रकार के रहेगी। एक तो है कि उसका पोषण हो, उसका अन्न द्रव्य उसको मिलता रहे, ये एक आम मुद्दा इस प्रकार का है। दूसरी चीज, उसमें रेस्पिरेशन भी होता रहता है, तो वहां तक अभी ऑक्सीजन कहते हैं, हमारे हिसाब में वायु पहुंचना चाहिए, इससे कि यहाँ पहुंचना इस प्रकार से चाहिए। और तीसरी चीज इस सभी में ऐसी है कि वो लाइव है, जीवन उसका है, चालू है इस प्रकार से। तो जो सजीव के बारे में बताया जाता है कि निर्माण होता है, बढ़ता है, अपने अपने कार्य करता है, खाना खाता है, उत्सर्जन करता है और फिर उसका क्षय होने लगता है और मौत होती है, ये जो छह भाव बताए गए, स्टेजेस बताई गई है सजीव की,
वो सभी इस प्रकार से रहेगी। तो अभी मॉडर्न मेडिसिन सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो उसके अन्न के अंश है वो हर सेल तक पहुंचाने हैं, ये एक बात होती है। दूसरी बात, इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जो ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है वो हर सेल तक पहुंचता है और वहां ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण वहां से लिया जाता है, किया जाता है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ा होता तो उसमें वापस आता है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। ये मॉडर्न साइंस ने बताया हुआ इस प्रकार। हमारे हिसाब में देखा जाए तो प्राणापान उन्मेष आद्य जीवन मनसोवृत्ति, ये सब भी आत्म के लक्षण बताए गए। और सजीवत्व जो है, चेतना जो है, वो आत्मा के जरिए इस प्रकार, और ये चलती रहती है। जब हम पहला सांस लेते हैं वहां से मृत्यु होने तक श्वसन की प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। तो एक वायु तत्व अहम है कि जिसका पूरे शरीर में डिसिमिनेशन इस प्रकार का होना, फैल जाना, और पूरे शरीर से जो मलरूप वायु निर्माण हुआ है उसको इकट्ठा करके फेफड़ों के द्वारा फेंक देना, ये निरंतर प्रक्रिया चली आ रही है। अब सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे यहाँ रस इस प्रकार से व्यायाम द्वारा विक्षेपित होकर पूरे शरीर में जाता है और धातुओं का पोषण करता है। फिर भी धातुओं के पोषण में भी तीन न्याय है। तो एक क्षीरदधि न्याय है कि रसादर्पण तत्व मांस मांसन में तस्त तत्व, इस प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस, इस प्रकार के धातु बनते रहते हैं। एक धातु का दूसरे अगले धातु में परिवर्तन इस प्रकार का होता रहता है। केदार कुल्या न्याय है, फिर खेत है उसमें नालियां बनी है, उसमें पानी छोड़ा जाता है तो पूरे खेत को पानी मिलता है। उसी प्रकार से ये जो स्रोतस की रचना हुई है, तो एक बार आहार रस बन गया, उसके ऊपर रस धातु बनने की प्रक्रिया निर्माण हुई, और रस धातु और पोषक तत्व इस प्रकार का बन गया, पोषक तत्व पर रक्त धातु निष्क्रिया हो गई वगैरह, इस प्रकार का संबंध चलता है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें है कि केदार कुल्या न्याय। और तीसरा जो है कले कबूतर न्याय, कि कबूतर अपने अपने स्थान से आते हैं, कहीं धान्य की राशि रखी गई है और फिर वो जो हमें चाहिए वो चुन लेते हैं और वापस अपने स्थान पे जाते हैं। तो खास करके स्थौले के संप्राप्ति में इसका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिससे मेदे वो कुछ नथा इतरे धातवा, उसका मेद ही बढ़ता रहता। तो मेद धातु का अग्नि सबसे स्ट्रांग बलवान होता है, वो ज्यादा से ज्यादा अन्न का ग्रहण कर लेता है और बाकी धातुओं के लिए पुष्टि की कोई बात ही नहीं। तो धातु नाम असमत्वे न दौर्बल्य, इस प्रकार की बात, तो धातु विषम असम होने के कारण दौर्बल्य इस प्रकार का स्थौल्य रूप में दिखाई देता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका एक सिंक्रोनाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो केवल महास्रोतस डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, पूरा शरीर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है।
और उसमें से परिवर्तित होते होते इस प्रकार के अंश अपने अपने जगह पे जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना है, जिसका पोषण करना है इस प्रकार से। और इस प्रकार का पूरे शरीर के जो सेल्स है उन सभी का पोषण इसके जरिए होता रहता है। अब प्राणवायु स्रोतस का लिंकिंग होने के कारण ये वायु भी वहां तक पहुंच जाता है। तो प्राणापानव ये जो वायु बताए गए आत्मा के लक्षण इस प्रकार से, वो एक अहम भूमिका इसमें निभाते हैं। ये एक दूसरी बात इसमें रहेगी। और हर सेल का निर्माण होना, उसकी बढ़ोतरी होना, उसके जो कार्य है वो चालू रहना इस प्रकार से, और फिर क्षय होकर उसका अंत हो जाना और उसके जगह पे दूसरा सेल आ जाना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया शरीर में होती रहती। तो सबसे अहम मुद्दा इसमें ये है कि पोषण तो होना है लेकिन वायु की भी जरूरत है। ये एक अहम मुद्दा इसके सामने आता है। और फिर उसका सिंक्रोनाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके साथ कैसे होता है, ये देखना रोचक इस प्रकार का रहेगा। और प्राणायाम का इतना महत्व क्यों? प्राणायाम रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् पण्डितानां सम्मतम्। दोष भी इसी तरीके से पूरे शरीर में जाते रहते हैं। व्यानेन रसधातुर हि विक्षेपोचित कर्मणा युगवत् सर्वतो रसं देह विक्षिप्यते सदा। दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेश प्रकोपः। दोषों का भी इसी प्रकार से एकदेश प्रकोपः होता है। क्षिप्यमाण स्वैगुण्य तथा सिद्धति यत्र समाप्तस्य विकार के वर्षों में बोलते हुए ना। ये जो बात व्यान धातु के व्यान वायु के बारे बताई गई, उसका एक अलग महत्व है। तो दोष जो है वो पूरे शरीर में फैल सकते हैं, ये एक आम मुद्दा है। तब सभी सेल की प्राकृतिक स्थिति बनाने के लिए भी दोष आवश्यक है। और हमारे यहाँ कारणों का जो बताई गई वो दोषों के कारण का बताई गई। फंक्शंस जो शरीर के हैं, जीवित शरीर के, वो सभी दोषों के अधीन इस प्रकार। तो दोष इसके जरिए पूरे शरीर में फैलते रहते हैं और सेल में पहुंचते हैं इस प्रकार से। और उसमें जो परिवर्तन लाना है वो ला सकते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से अगर होता रहेगा पोषण इस प्रकार से, दोष भी पहुंचते रहेंगे। तो उसके जो प्राकृतिक कार्य है वो होते रहेंगे। इसमें अगर गड़बड़ हो जाती है, दोष जो पहुंच रहे हैं वो दुष्ट है, प्रकोपित है वगैरह वगैरह, तो वहां पे विकार निर्माण होगा, आरंभ होगा उसका विकार का। और फिर ऐसी हालात में हमारे हिसाब में इन सभी का एक अलग महत्व हो जाएगा। और प्राणायाम से जब हम इस श्वसन को नियंत्रित करते हैं, अंतक कुंभक का भलीभांति अभ्यास करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है फेफड़ों से पूरे शरीर में वायु का फैल जाना और वापस आना, और उसका कोऑर्डिनेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होना और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होना, ये एक अहम मुद्दा इन सभी में है।
और फिर दोषों पर काबू इसके जरिए हम पा सकते हैं। प्रकोपित जो दोष है उनको शांत करने के सामर्थ्य इसमें है। और फिर सभी रोगों में केवल प्राणायाम से रोग मुक्ति हो सकती है। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से प्राणायाम करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो खास करके अंतक कुंभक में फेफड़े में संचित जो वायु है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और वही कुंभक में पूरे शरीर में फैला हुआ वायु वापिस फेफड़ों में आता है। उसके साथ ही दोष आते रहते हैं, क्योंकि वायु नेता है, वायु आता है बेसिकली, और कफो पित्त उसके अधीन है। तो सभी दोषों का इसके जरिए हम सोच सकते हैं सभी दोषों के बारे में, और दूसरे की शिकर्म की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। अर्थात एक बात स्पष्ट होगी कि खाना पीना भी उसी प्रकार से होना है। आयुर्वेद विशेषायतन जो है उनका भलीभांति प्रयोग करें, उनके मुताबिक ही आहार वगैरह इस प्रकार से ले। और मानसिक संतुलन अच्छा रहे, इसमें चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ये जो एक हठपंच प्रकाश श्लोक है कि अगर वायु चला है तो चित्त भी चला है, और अगर वायु निश्चल हो जाता है तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। तो धारणा और ध्यान इन प्रक्रियाओं के लिए मन स्थिर होना बहुत जरूरी है, उसके लिए वायु की स्थिरता की जरूरत। तो वायु अगर स्थिर इस प्रकार का हो जाए तो मन भी चंचलत्व छोड़कर स्थिर हो जाता है। और फिर रजस तमक के जरिए जो भी इस प्रकार के विकार निर्माण होने वाले हैं उससे हम बच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे का दूसरे से संबंध नहीं है। उत्तर पक्ष जो आपने मोक्ष में बताया वो निर्माण के हिसाब से आवाज नहीं देते ना।
हेलो हेलो आवाज इतने है सगळ्यांनाच येत नाही बहुतेक. हो येत नाही आवाज बराच वेळपासून आता सरांना फोन करता येईल का? हा करू शकतोय, करतो सुश्रुतीला फोन करतो. हम्म